खाता था लेकिन है ना कैंटीन बंद हो गई, मतलब लग नहीं था नहीं दिया लग क्या छोड़ो बात ही नहीं करनी। दुख होता है यार, डोसा वोसा दिख जाए तो मतलब नाम लिखा ही दिख जाए तो थोड़ा अंदर से सेंटीमेंट्स जाग जाती हैं कि हाँ चलो डोसा मिलने वाला है, लेकिन वो उनकी शिफ्ट वगैरह एक्सचेंज हो रही थी तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो बोल रहे थे कि 4:30 तक खुलेगा, तो अभी तो 3:30 बजे थे, तो 4:30 तक तो मैं माता के भवन तक पहुँचा हुआ, तो दैट्स व्हाई आई कैंसिल्ड दैट प्लान। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे डोसा देख के भूख तो लगाई तो मैंने चाय पी ली थी, चाय से ही गुजारा करना पड़ा, अब क्या करूँ। तो अभी मेरी बैटरी है ना डाउन हो रही है बिल्कुल, कभी भी बंद हो सकती है, मतलब फ़ोन कभी भी जा सकता है, ये आईफोन का यही प्रॉब्लम है, बहुत कम बैटरी रहती है। और कोई फ़ोन भी नहीं था मेरे पास तो मुझे इसी से बनाना पड़ रहा है, ये फ्लिप भी नहीं हो रहा बैक, मतलब बैक कैमरा भी फ्लिप नहीं कर रहा, तो मुझे है ना इसी से बनानी पड़ रही है वीडियो, क्योंकि मेरा फ़ोन तो टूटा हुआ है मेरे दोस्तों को पता है, बैक कैमरा टूटा है, फ्रंट तो बेकार है ही और लैग भी करता है, तो इसमें लैग बिल्कुल भी नहीं करेगा, फुल एचडी वीडियो शूट हो रही है। तो अभी देखता हूँ मैं इसको चार्ज करता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ। पहुँच चुका हूँ वैष्णो देवी, मतलब जो जिसके लिए मैं मतलब बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, मतलब मैं शाम को पहुँच गया था, मैं आपको दिखा नहीं पाया था, क्या है ना मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था तो अभी चार्ज किया है, वो भी 10% हुआ है, तो पॉसिबल नहीं था कि मैं कहीं पे भी शूट कर लूँ है, तो अभी मैं पता है क्या खाने जा रहा हूँ, गैस करो। मैं खाने जा रहा हूँ डोसा। यहाँ पर डोसा मुझे मतलब एक है ना ये है क्या कहते हैं रेस्टोरेंट टाइप है, तो वहाँ पे डोसा मिल गया है मुझे, तो मतलब मुझे लगा कि मैं रोटी ना खाते हुए डोसा ही खाऊं, क्योंकि रोटी तो यार मैं घर पे भी खा लूँगा, डोसा यहाँ पे मिल जाएगा तो थोड़ा मन भी खुश हो जाएगा। तो अभी है ना जैसे ही मैं डोसा खाने जाऊँगा तो अभी आपको करता हूँ फिर से मतलब वीडियो शूट करता हूँ, तब तक के लिए ये यहाँ पर ये रास्ता है, मतलब दूसरा रास्ता है, यहाँ पर सारे लाइन से है ना रेस्टोरेंट वगैरह हैं, आप भी खाने आ सकते हैं, सागर रत्न वगैरह हैं यहाँ पे, सागर रत्न पे डोसा वगैरह मिल रहा है, तो यहाँ पर ये पूरे है ना फूलों से सजा है माता का द्वार, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले डोसा खा लूँ उसके बाद है ना मैं आपको दिखाऊंगा पूरा जो माता का द्वार सजा है ना, वो बहुत ही प्यारा सजा है, बहुत सारे फूलों से सजा है, एक से एक मतलब बहुत ही तरह के फूल लगे हैं, आप ये बोलोगे कि हाँ क्या मज़ा आ गया बिल्कुल, मतलब आप घर बैठे भी आप ये बोलोगे कि हाँ कुछ तो देखा है ना, तो अभी जाता हूँ। तो गाइस देखो मैं अभी है ना मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं डोसा खाने जा रहा था, मैं डोसा खा के आ गया हूँ, बट मैं आपको ये नहीं बता पा रहा था कि है ना मैं 6 बजे आया था, मतलब हम 6 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे, उसके बाद से है ना हमने मतलब मौसा जी हम सब ने दर्शन कर लिए थे, मैंने दर्शन कर लिए थे, बट क्या है ना मौसा जी ने दर्शन नहीं किए थे क्योंकि वो मतलब फ्रेश हो गए थे, वो मतलब फ्रेश हो लिए थे तो वो अंदर जा नहीं सकते थे, मतलब ऐसे जा सकते थे किसी को पता नहीं पड़ता, बट क्या है ना खुद का भी थोड़ा रहता है ना, तो ये बात हुई थी। तो अब हम फिर से दर्शन करने जा रहे हैं, फिर से दर्शन कर देखो आप देख सकते हो जैसे ये देखो कितना प्यारा सजा है, मैंने पिछली वीडियो में जो पिछली वीडियो ने से पहली वीडियो उसमें दिखा दिया है, देखो पूरा क्या ये बोलना जा रहा है कुछ, अभी नाइट हो रही है मैं फोटोशूट करूंगा कैमरे से। ये भी बहुत ही एक्साइटेड है वीडियो डालने के लिए। अभी देखो ये लाइन लगी है बगल में भक्तों की, ये इसमें इस लाइन ये लाइन है ना आगे तक गई है, अभी कुछ लोग तो लाइन में सो ही गए थे, उनको पता नहीं था क्या है ना शाम को 6 से 9 बजे तक बंद रहता है, क्योंकि 6:30 बजे जो आरती होती है ना आरती के बाद श्रृंगार वगैरह होता है, तो श्रृंगार से मतलब वो शाम रात के 9 ही बज जाते हैं श्रृंगार करते करते, तो अभी है ना 9 बज गए हैं खुल गया है, तो हम भी है ना दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी दर्शन हमारे हो जाएंगे उसके बाद है ना हम थोड़ा मतलब क्लॉक रूम में सामान रख के मतलब फिर हम है ना अपना आराम वगैरह करेंगे, क्योंकि सुबह हमें निकलना है भैरव जी के लिए, तो भैरव जी के लिए निकलने के लिए यहाँ पे है ना वो भी है
जो है, होती है ना पाल की, मतलब वो मुझे पता नहीं है नाम क्या है उसका, मैं तो हिंदी में उड़न घुटोला बोलता हूँ, तो उसका है 100-100 रुपये टिकट है, तो वो सीधे है ना 100 रुपये में आपको भैरव जी तक पहुँचा देते हैं, तो वो भी उसका व्यू भी मैं डालूँगा, ठीक है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये कितना प्यारा लग रहा है माता का दरबार। तो ये सिर्फ है ना मतलब नवरात्रि में मिलेगा आपको, अगर आप ऐसे नॉर्मल डेज में आते हैं तो आपको कभी नहीं दिखेगा। ये जो डेकोरेशन है वो डेकोरेशन भी सिंपल रहता है, मतलब कुछ रहता ही नहीं है। अभी देखो ये डेकोरेशन भी बहुत प्यारा है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब भर भर के फूल लगे हैं और रोज़ ये फूल चेंज होते हैं रोज़। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये पूरी गैलरी सजा रखी है उन्होंने, ये पूरी गैलरी आप देखोगे तो लग ही नहीं रहा वैष्णो देवी आया हूँ मैं, ऐसा लग रहा है शादी में आया हूँ। और शादी भी ऐसी नहीं होती, शादी में क्या है ना पहाड़ वहाड़ नहीं होता तो शादी में अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी हैं और शादी ऐसा माहौल भी लग रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही यहाँ पे मुझे बिल्कुल। ये जो ट्रिप रही ना मेरी बिल्कुल वर्थ इट रही है बिल्कुल, मतलब जो थकान वगैरह थी ना वो अभी मैं आराम करके पूरी कर लूँगा, बट क्या है ना थोड़ा मूड फ्रेश हो गया था अभी ये जो सीन देख देख के। अभी शाम को मैंने पहाड़ भी देखे थे, अभी पहाड़ आपको दिख नहीं रहे क्योंकि अभी रात हो चुकी है तो आपको कैसे दिखेंगे, तो अभी इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं ना इस साइड, मतलब फूल भी हैं, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू हैं यहाँ पे। तो अभी तो मैं जा ही रहा हूँ, फिर दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे है ना क्या है ना मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, यहाँ पे हर जगह कैमरा अलाउ नहीं है, बट यहाँ की मैं शूट जरूर कर सकता हूँ। क्या है ना ये देखिए ये फूल आप देख सकते हैं, पापा कहाँ निकल गए। तो अभी मैं मतलब मंदिर बिल्कुल पास आने वाला ही है, नीचे कुछ हो गया। आ जाएंगे वो, अरे नहीं भी कुछ चेंज कर रहे हैं अभी ना आगे नहीं। तो मैं भी वीडियो को पॉज मतलब बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी है ना मुझे क्लॉक रूम में फ़ोन भी जमा करना पड़ेगा क्योंकि अलाउ नहीं है, जो मंदिर है ना जो मेन मंदिर उसमें है ना फ़ोन पर्स वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो आपको पहले ही रख के जाना पड़ेगा। और ये है कि यहाँ पे नहाने का भी है, बट क्या है ना अभी कोरोना का टाइम है तो अभी फैमिली में सब मना कर रहे हैं कि अभी मत नहाओ, क्योंकि हम सुबह नहा के आ चुके थे, तो जो ऊपर आते हैं ना तो ऊपर भी नहा लेते हैं कुछ लोग, तो वो तुम्हारे ऊपर रहता है अगर तुम्हें नहाना है तो नहीं है, नहीं तो अगर तुम्हें सुबह नहा के आए तो सुबह भी चल जाता है, तो अभी हम नहीं नहा रहे क्योंकि वही कोरोना का टाइम है, अभी तबीयत वगैरह बिगड़ गई क्योंकि ठंडा पानी है बिल्कुल बर्फ़ जैसा पानी लगा है। मेरा मन तो था नहाने का बट मैं नहीं नहा सकता, तो आपके पास है कुछ बोलने के लिए। अभी सिर्फ मैं ही रह गया हूँ दर्शन के लिए, अब हम फिर से दर्शन के लिए जा रहे हैं, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं सबके साथ पहले नहीं जा पाया। कंट्रोल। अब हम दर्शन के लिए जाएंगे, उसके बाद हम नाइट रेस्ट करेंगे, ओके, उसके बाद सुबह हम फिर से एक बार और माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। तो देखिए मैं अगर दर्शन करता हूँ सुबह भी, तो सुबह अगर मैंने अभी पहले दर्शन कर लिए थे शाम को 6 बजे भी, जैसे ही आया था 6 बजे के बाद मैंने अभी रात को भी 9 बजे भी दर्शन करने जा रहा हूँ, होगा सुबह भी होगा तो वो 3 बार हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, 3 बार दर्शन कर लिए तो कोई बात हो जाएगी क्योंकि 9 दरगाह का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिगाड़ा कुछ बोलते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम में गाड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है माता के दरबार में। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ, ओके, गुड नाइट। My hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. I wanna stay with you. With you. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. So guys, मैं आ चुका हूँ अब अर्धकुंवारी से भी नीचे, जो कल मैं था ना मतलब ऊपर जो छोले भटूरे की बात कर रहा था जहाँ पे मिलेंगे, बट वहाँ से क्या हुआ था ना
अभी रात में मैं निकला था, मतलब हम सुबह निकले थे, रात में कह रहा हूँ, अभी क्या है ना, अभी हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल भी, मतलब जान नहीं है थोड़ी सी भी। तो अभी मेरे पास बैग भी है, देखिए बैग देख सकते हैं। तो अभी हम मैं मतलब बहुत आगे निकल आया हूँ, घर वालों को पीछे छोड़ आया हूँ, मतलब गुस्सा आ गया मुझे, मतलब वो रुक रहे थे, बार बार फ़ोटो वोटो ले रहे थे, मैंने बोला खुद ही फ़ोटो लेते रहो, बट मैं तो जा रहा हूँ। आप अगर प्लान करते हैं ऊपर आने का तो थोड़ा देख के प्लान। मुझे लास्ट वीडियो कट करनी पड़ी थी बिकॉज बंदर आ गया था, बंदरों ने यहाँ पे बहुत तहलका मचा रखा है। जैसे कि हम सुबह वहाँ पे गए थे रोप वे से जो गए थे ना, तो हम है ना उससे वहाँ पे ऊपर भैरव जी पे रोप वे से गए थे, तो मैंने वीडियो वहाँ पे इसी वजह से शूट नहीं कर पाई, मैं इसी वजह से बहुत लेट हो गया हूँ, मैं बिल्कुल मिड वे में आ गया हूँ, लास्ट में आ गया हूँ मैं नीचे उतरते उतरते। सुबह थे हम वैष्णो देवी के बाद, हम भैरव मंदिर गए थे, मतलब जाना पड़ता है, कहते हैं ऐसा कि है ना वो पूरी तुम्हारी चढ़ाई पूरी नहीं होती अगर आप भैरव मंदिर नहीं दर्शन करने जाते तो वहाँ पे भी गए थे हम। तो उसके बाद है ना वहाँ से है ना मतलब लंगूर इतने सारे, बंदर इतने सारे के दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने, और एक अंकल का तो मेरे सामने मोबाइल ही छीन लिया था, तो और बिस्किट वगैरह जो भी खाने का सामान रहता है आपके पास वो ले लेते हैं। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कुछ हाथ में टाइट पकड़ना पड़ेगा मोबाइल है तो। ओके तो वहाँ पे, और यहाँ पे कभी भी मौसम चेंज होता है, कभी धूप निकल आती है तो कभी धूप भी निकल आती है, कभी कभी बारिश होने लगती है, कभी बादल ही रहते हैं, तो यहाँ का वेदर बड़ा ही अनसर्टेन है। तो यहाँ पे पानी भी बहुत ठंडा है। सुबह सोचा तो था कि नहीं रहूँगा, बट घर वालों ने बोला कि बेटा नहा लो। क्या बोलता मैं घर वालों से, तो मुझे नहाना पड़ा बहुत ही ठंडे पानी में। मतलब मेरी तबीयत सी अभी ठीक नहीं है, तभी तो मैं जल्दी जल्दी उतर रहा हूँ नीचे, जिससे मैं जल्दी होटल पहुँचूँ और आराम से रेस्ट करूँ थोड़ा, है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैं वीडियो बना तो रहा था बट क्या है ना कुछ सिक्योरिटी रीजन से कुछ एरियाज ऐसे रहते थे रिस्ट्रिक्टेड के आप है ना वहाँ पे वीडियो नहीं शूट कर सकते, तो मैंने वहाँ पे वीडियो शूट कर ली थी रोप वे का जो था, तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट करवा दी थी, जो सिक्योरिटी पर्सनल थे ना उन्होंने वो वीडियो डिलीट करवा दी। मतलब मैंने सुबह वीडियो शूट की थी बट वो वीडियो शूट फालतू में बेकार गई, उन्होंने वीडियो डिलीट ही करवा दी, उन्होंने बोला कि हर जगह आप शूट नहीं कर सकते तो वीडियो डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं फिर से शूट कर लूँगा। तभी मुझे है ना ये वीडियो नीचे शूट करनी पड़ रही है, मैंने सोचा था बाद में शूट कर लूँगा बट वो बंदर बीच में आ गए फिर से। यहाँ पे मैं उतर रहा हूँ, देखिए पहाड़ है यहाँ पे, ये जो लौटने वाला रास्ता है ना इसमें बैटरी बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा। ये जो लौटने वाला रास्ता है ना इसमें बहुत मतलब एलिवेटेड जो होता है ना चढ़ने के लिए, वो एलिवेशन है ना आपको लौटते में बहुत बेकार लगेगा, मतलब बहुत ही बेकार है, मतलब आपके पैर भी फिसल सकते हैं, तो आपको थोड़ा संभल के आना पड़ेगा। और हालत तो मेरी ख़राब हो ही चुकी है, अभी मैं तब से 12 बजे से चल रहा हूँ, बीच में थोड़ा एक कॉफ़ी पी थी उसके बाद से फिर निकल लिया हूँ मैं, तो घर वाले तो बहुत ही पीछे हैं मेरे, मुझे पता ही नहीं कहाँ पे हूँ। और क्या ही बताऊँ मैं। हेलो, ये देखिए बंदर, देखिए कैसे गुदम मचा रहा, दिखा क्या नहीं दिखाओ आपको, अरे हाल छिप जाते हैं। मैंने बंदर की फोटोग्राफ मतलब फोटोग्राफ भी बहुत लिए हैं। साथ में भी शूट कर लेते हैं,
बोलते नहीं नहीं हमारी वॉइस है ना ओवरलैप हो जाएगी। मैंने कहा तब थोड़ा दूर कर लेंगे हम, शायद उनको कुछ प्रॉब्लम थी मेरे साथ, तो रोके फिर वो चले गए। फिर वो मतलब पीछे से कर रहे थे शूट, फिर मैं आगे निकल आया जल्दी जल्दी, मैं जल्दी जल्दी आगे सुबह से निकला, मैं चेक कर रहा था इतनी देर में मतलब मैक्स टू मैक्स जितनी जल्दी मैं पहुँच सकता हूँ, अगर मैं हरिद्वार के नॉन स्टॉप निकलता हूँ तो मेरे क्या है ना बैक की है ना वो रुक गई है, मतलब पहले मैं शोल्डर पे लटकाया था बट है ना अब मुझे हाथ में लटकाना पड़ रहा है। सो क्या कर सकता हूँ मैं जो बैक की वो स्ट्रिप्स होती हैं वो टूट चुकी हैं, तो अभी बस मैं आने वाला हूँ। अगर आप है ना हरिद्वारी से अगर उतरते हैं अगर बिन नॉन स्टॉप, और ये घोड़े परेशान कर रहे हैं मुझे जहाँ पे, तो अगर आप हरिद्वारी से नॉन स्टॉप आते भी हैं तो आप है ना मैक्स टू मैक्स एक घंटे में आराम से उतर आएंगे, बट अगर फैमिली साथ में आपके तो आपको है ना दो घंटे आराम से लग जाएंगे, बिकॉज फैमिली के साथ क्या है ना फ़ोटो होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ पीना है, कहीं कुछ खाना है, तो टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है फालतू का। सो अभी तो मैं बस आ ही गया, बहुत ही नियर बाय हूँ, तो बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ, फिर मैं उनका वेट करूँगा जब तक वो नहीं आते। मुझे तो लगता है आधे घंटे मुझे एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। फ्रूट अच्छे मिलते हैं सुना यहाँ पे, मतलब सुना क्या मैं उस दिन देख के आया था वो जो वीडियो बनाई थी, तो अभी ड्राई फ्रूट्स लेके जाऊँगा, और अगर मुझे एप्पल मिल गया तो एप्पल ले जाऊँगा। पर जो भी बंदर और जो मंगंदर और मंकी कह रहा हूँ बंदर और लंगूर वगैरह है ना, तो क्या है ना वो है ना छीना झपटी करते हैं ऐसे कई कई बार है ना, तो लोग डर जाते हैं पैनिक हो जाते हैं तो उनमें पत्थर वगैरह मार देते हैं। तो ऐसे देखो आपको हार्म नहीं करना उन्हें, वो ऐसे काटने के लिए नहीं दौड़ते आपको, अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो बस उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं, और अगर आपने पत्थर वत्थर मारोगे तो बेकार हो जाता है उनका पूरा, मतलब पूरी बॉडी बेकार हो जाती है। अभी मैंने देखा एक का हाथ ही टूट गया, अभी अभी सामने ही मेरे टूटा है, तो थोड़ा एक कोशिश करिए कि मतलब मारना नहीं है आपको, वैसे वो कुछ करता ही नहीं है। अभी तक मैंने पूरा देखा मतलब पूरे रास्ते पर किसी को काटा नहीं उन्होंने, बस वो खाने के लिए आते हैं, मेरे पास भी खाने के लिए आए थे तो मैंने ना उनको दे दिया था जो भी था मेरे हाथ में बिस्किट वगैरह, तो वो खाने के लिए आते हैं क्योंकि वो भूखे रहते हैं ना, तो पूरा ग्रुप के ग्रुप आता है तो उनको कुछ खाने नहीं मिलता, तो जो लोग आते हैं तो वो कुछ 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 लेके आते हैं, तो कहीं परांठे छिना लिए उनसे कभी कुछ कभी कुछ, तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए कि वो जानवर हैं तो ऐसे बिहेव नहीं करें, उन जानवर ऐसे बिहेव नहीं करें क्योंकि वो खुद ही जानवर हैं। तो बस यही बोलना चाहता था, ऐसे डॉग्स हुए तो डॉग्स एंड ये भी मंकी, डॉग्स तो मुझे यहाँ पे दिखे नहीं बट मंकी इसका थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसे मारना वरना नहीं अपने को, वैसे भी वो कुछ ज़्यादा हार्म नहीं करते, वो जो आपके पास होगा वो बस वो भी लेके जाएंगे। ओके गाइस, अभी ये सीन है सब शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं थोड़ी सी, क्या है ना यहाँ पे बारिश हो रही है, देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया हुआ था ये देख सकते हैं आप, बट क्या है ना शॉपिंग है भी ना पूरी यात्रा अधूरी है, तो हमारे होटल के बगल में है ये, बिल्कुल जो हमारा होटल से इसी के साइड में है, मतलब बिल्कुल ही एडजेसेंट है, तो बारिश हो रही थी तो हमने सोचा निकल ही आते हैं, तो हम निकल आए थे तो इतना नहीं भीगे, तो अभी वो ये देखिए बिल्ली जा रही है, बिल्ली यहाँ की बहुत ही लेजी टाइप है, मतलब उठती नहीं है, अगर सड़क पर भी डालिए ना तो कोई उनको उठाता भी नहीं है, तो वो सोचते हैं कोई मार नहीं रहा उनको। तो अभी तो हम वैसे भी होटल जाने वाले हैं, सुबह मेरी 7 बजे की ट्रेन है, तो सुबह अभी सुबह मिलते हैं। ओके तो गाइस देखिए मैं भीगता हुआ जा रहा हूँ मैं क्या करूँ, मुझे ठंड सी लग रही है, ये हमारा होटल है ये देखिए, तो अभी मैं थोड़ा साइड में आ जाऊँ, अब देखो मैं साइड में आ गया, अब क्या है ना अभी मैं हाफ पहन के घूम रहा, देखो ये हाफ पहन के जो घूम रहा हूँ ना, मैं सुबह उठने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है ट्रेन में नहीं चढ़ने वाला, मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बट क्या करूँ मज़ा आ रहा है यहाँ पे घर पे, मतलब हाफ तो पहन के घूमना ही है बट ठंड में थोड़ा बारिश का मज़ा भी ले लिया जाए, तो वैसे अच्छा लगता है यहाँ पे अगर आप आते हो ना, तो ये लॉकडाउन अभी चल रहा है बट लॉकडाउन के बाद आप थोड़ा प्लान करना, क्या है ना अभी कोरोना है यहाँ पे, तो मुझे अभी तक मतलब यात्रा में मास्क पहने सब दिख रहे थे बट कोरोना का कुछ दिखा नहीं भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये।
मतलब कुछ भी। वो मुझे कैसे दिखेगा, वो तो अंदर ही भी रहता है बॉडी में, ऑब्वियस है। तो बट आप है ना, ये लॉकडाउन के बाद प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, बट फ्रेंड के साथ और मजे आते हैं। ठीक है, ओके भाई, मैं सुबह उठ गया हूँ, मैं तैयार भी हो गया हूँ, नहा भी लिया हूँ, बट यहाँ पर ठंड बहुत बुरी पड़ रही है, क्या ना पूरी रात बारिश हुई है, इसलिए ठंड बढ़ गई है बहुत बुरी। यहाँ पर पूरी रात बारिश हुई है और मतलब अभी भी बंद नहीं हुई है बारिश, ठीक है, बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है, लेकिन हम ऑटो टैक्सी कुछ ना कुछ चले ही जाएंगे। वो 6:55 की ट्रेन है, अभी 6:20 तो हमें यहीं पर हो गए, अभी स्टेशन पर पहुँचते हैं। I can't be sad with you, just take my hand. So guys, अब मैं घर पे आने वाला हूँ, मुझे अभी सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, मैं मुरैना तक आ गया हूँ, मेरा स्टेशन आने वाला है 5 मिनट में। सो आई थॉट मुझे एक वीडियो शूट कर लेना चाहिए अगेन, जो कि थैंक्स गिविंग के तौर पर होनी चाहिए, मतलब आपने इतनी वीडियो देखी, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ लाइक कर देना, सब्सक्राइब आपको मैंने अगर करना हो तो कर देना है, और कमेंट भी कर देना, कमेंट में मैं अगर आपको अच्छी लगे तो भी कर देना, बेकार भी लगे तो भी कर देना, ओके। और अगर आप अभी कंसीडर कर रहे हैं आने का वैष्णो देवी, तो मत करिए, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बहुत ही हालत ख़राब है, सीन बहुत ही बेकार हो रखा है, मैंने अभी ट्रेन में देखा, अभी मैं दिल्ली से भी निकला था, तो पेनल्टी भी वगैरह लग रही है, अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो अभी आप समझ सकते हैं कि पूरे इंडिया में बहुत बेकार हाल हो रखा है, हर जगह बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। दिल्ली में तो रिसेंटली आज के दिन 24,000 आए हैं, तो बहुत ही आए हैं, कुछ ज़्यादा ही अलग ही सीन हो रखा है। तो